कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत जो ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं उनको धार्मिक स्थलों से निकालने का जो निर्देश मिला था उसमें हमारे ग्वालियर पुलिस अधीक्षक श्री राजेश चंदेल सर के द्वारा धर्मगुरुओं की मीटिंग ली गई थी। उन्हीं निर्देशों के पालन में आज थाना हस्तिनापुर में थाना प्रभारी राजकुमार राजावत के द्वारा आसपास के जो धार्मिक मंदिर मस्जिद हैं गुरुद्वारा हैं उनके धर्मगुरुओं को बुलाकर मीटिंग ले गई, जिसमें एक सिरसोद गांव के इमाम साहब ने जुबेर अहमद जी ने एक बेहतर नवाचार किया और पूरी समाज के साथ मिलकर आज जुम्मे की नमाज के पहले जो मस्जिद में लगे हुए थे लाउड स्पीकर उनको निकाला। और जब हमें पता चला कि एक बेहतर नवाचार है और बहुत अच्छा निर्णय लिया गया तो हमने उनका पूरे गांव के साथ मिलकर सॉल श्रीफर और फूल माला से सम्मान किया। और इस तरह से जो भी क्योंकि मस्जिद के और मंदिर के आसपास स्कूल भी था जिससे बच्चे भी प्रभावित होते थे तो ये बेहतर निर्णय था जिसका सम्मान किया गया है। और ऐसा उम्मीद है कि अन्य जगहों पर भी लोग इस तरह से स्वेच्छा से आगे आकर अपना निर्णय लेंगे। एनजीटी के पूर्व के दिशा निर्देश प्रशासन के द्वारा कड़ाई से खासकर जो ध्वनि विस्तारक यंत्र धार्मिक स्थल सार्वजनिक स्थलों पर लगा करते थे उनके खिलाफ एक विस्तृत परिपत्र आए थे कि किस प्रकार से क्या क्या कार्रवाई करनी है। उसी के अनुरूप पुलिस और प्रशासन ने पहले तहसील थाना अनुभाग स्तर पर सभी जो धार्मिक गुरु हैं और जो ग्राम रक्षा समिति नगर रक्षा समिति हैं उनसे संवाद स्थापित किया। मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी सभी लोगों तक उपलब्ध कराई और इस जानकारी के पश्चात आज सभी ने स्वेच्छा से जहाँ पे मापदंड से ज़्यादा ध्वनि विस्तारक यंत्र लगे थे उनको उतारा। और आगे की इसमें जो प्रक्रिया है वो बहुत ही आसान है। इसमें जिनको भी इस प्रकार से यदि ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने हैं तो उनको जो सक्षम अधिकारी हैं उनके पास अनुमति के लिए देना पड़ेगा और समय सीमा के बाद भी यदि अनुमति के लिए वो नहीं आवेदन देते हैं और उसके बाद भी इस्तेमाल करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जो मापदंड तय किए गए खासकर डीजे के अंदर दो साउंड बॉक्सेस के तो इसमें फ्लाइंग स्क्वाड्स वगैरह एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के ज्वाइंट रहेंगे जो लगातार ये सुनिश्चित करेंगे कि एनजीटी के जो पूर्व के दिशा निर्देश हैं उसके अनुरूप ही कार्रवाई की जाए।